जाग गया तू? हाँ मजे आ रहे हैं? मामू के साथ जाएगा? मामू के साथ जाएगा? देहरादून की टीम का मानना ये है कि हम ये लोग हमारे साथ चल रहे हैं, देहरादून में स्टे कर रहे हो, कल सुबह निकल रहे हैं। बीकानेर वालों का ये है कि हम सीधे बीकानेर चलते हैं, वहाँ से आपको ट्रेन ऋषिकेश आती है, हम लोग ऋषिकेश की रिजर्वेशन करवा देते हैं और हम परसों आ जाओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और हम लोग अभी नौशहरा से निकल रहे हैं, हम अपना सफ़र जो है आज चंडीगढ़ के लिए करेंगे स्टार्ट, और वहीं से हम लोग आगे देहरादून जाएंगे। सो ये नौशहरा का एक ब्रिज है जो अब हमें नौशहरा सिटी से निकालेगा ऊपर मेन हाईवे पे, जो नेशनल हाईवे जम्मू पुंछ है उस पर। और अभी हम जस्ट नौशहरा सिटी के सामने से जा रहे हैं, और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये एक ब्रिज है, आगे बूटा है ये रोप वे ब्रिज है, और ये जोड़ता है पार सिटी को। वो सामने आपको सिटी का एक साइड दिख रहा है, वहाँ से आगे सिटी नौशहरा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो नया रोड बन रहा है उसी में एक जो अब कट किया गया है, जो नौशहरा से 4 किलोमीटर पहले मोड़ आते थे, अब उनको काट के यहाँ से एक टनल बनेगी। और जो सामने आपको जगह दिख रही है ये टनल यहाँ से इस टाइमदार के अंदर घुसेगी और दूसरे डायरेक्शन से बाहर निकलेगी। तो अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा जाम लग रखा है यहाँ पे। और हम लोग 500 मीटर दूर हैं अभी जो मेन हाईवे है उससे। और हम लोग अभी जस्ट जो हमारा तहसील हेड क्वार्टर है वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, नौशहरा से हम 6 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और हमने हाईवे जो है नेशनल हाईवे जो टच करता है पुंछ से जम्मू को, उसको टच कर लिया है, उसी पे हम लोग आगे जा रहे हैं। और मेरे भाई साहब जो पीछे बैठे हुए हैं, इनकी ड्यूटी बीकानेर में है, और ये सीधा अभी अपनी गाड़ी लेकर बीकानेर जा रहे थे। तो इन्होंने कल शाम को मेरे को पूछा कि क्यों नहीं आप हमारे साथ ही चल लो, तो हमने सोचा क्यों ना आधा सफ़र जो है इनके साथ ही किया जाए, और उसके बाद जो है हम अपने जर्नी को कंटिन्यू करेंगे चंडीगढ़ से आगे। सो अभी जस्ट हम लोग निकले यहाँ से, जम्मू में लगेंगे 2.5 से 3 घंटे और लगेंगे। हालांकि अभी रोड का कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है, बट फिर भी अभी 2.5-3 घंटे यहाँ से लगे जाते हैं जम्मू तक। तो पुणे जो फ्रंट सीट है एज़ यूजल वो पूरी कर ली है आगे। हेलो फ्रेंड्स, और पीछे हमारी एक छोटी बहन बैठी हुई है, वो जम्मू किसी काम से जा रही है। और यहाँ पे एक बंदा छुप गया है सीट के पीछे, ये भी मेरी छोटी बहन है। और ये है प्रिंसेस, जिसके लिए हम लोग देहरादून से जम्मू आए थे, इसके मुंडन की वजह से हम लोग जम्मू आए थे। बहुत नोटी है, और बाल कटने के बाद ये और ज्यादा नोटी हो गई है, और पूरा मन लगा रखा है इसने मेरे को, बिल्कुल भी बोर नहीं होने दे रही। हालांकि मैं अभी थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब थी, बट ड्राइव में कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं होने दे रही। वो कब बीच बीच में आके बात कर रही है, कुछ छेड़खानी कर रही है, और सीट बेल्ट जो है उसने सेंटर पे बैठ के लगा लिया कि वो एक साइड से दूसरी साइड से पहली साइड को भाग रही है, और इसलिए उसने सीट बेल्ट लगा के अपना फ़ोन का सिस्टम जो चालू कर दिया है। मैं आपको रोड का व्यू करवाऊंगा। एक्चुअली ये पहले बोल रहे थे कि डबल लेन रोड होगी, बट अभी जो मैं देख रहा हूँ ये रोड की वाइडनिंग ही हुई है। और अभी हम लोग जो एक लंबेड़ी तहसील करके एक जगह वहाँ से जस्ट क्रॉस कर रहे हैं, अभी देखते हैं जम्मू कितना टाइम लगता है। और ये जर्नी जो हम लोग 2 व्लॉग में शूट करेंगे, एक जम्मू तक और एक जम्मू से आगे की जर्नी। अब ये हमें खुद नहीं पता कि हम लोग रात को आज रुक कर रहे हैं, ये एक सरप्राइज़ है, क्योंकि ये हम सोचेंगे कि आगे कल का सफ़र जो इनका बचेगा वो इतना सफ़र बचे कि ये लोग कल 6-7 घंटे ड्राइव करने के बाद सीधा बीकानेर पहुँचे। और हम लोग कहाँ से अलग होंगे ये भी अभी एक डाउटफुल
बिंदु है इस चीज़ का कि हम लोग उतरेंगे कहाँ से। या तो हम चंडीगढ़ उतर सकते हैं या हम लुधियाना उतर सकते हैं, दो रूट से हम लोग जा सकते हैं। या तो हम जालंधर लुधियाना वाला जो हाईवे है वो लें वाया बटाला होते हुए, और या हम लोग निकल जाएं होशियारपुर होते हुए सीधा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से ये लोग अपना सफ़र जो है आगे कंटिन्यू रखें पटियाला से होते हुए सीधा बीकानेर। अभी हम लोग जस्ट जो लंबेड़ी मार्केट है मेन मार्केट है जो वो क्रॉस करी हमने, और ये सामने जो आपको स्पॉट दिख रहा है ये सियोट है, और यहीं से रोड जो है कोलाकोट को जाती है। और इस जगह की खासियत ये है कि हमेशा जहाँ पे सर्दियों में अगर आप आते हैं तो हमेशा धुंध रहती है, पूरे 6 महीने तक ये इलाका जो है वो धुंध में ढका रहता है। और धूप जो है यहाँ पे हार्डली 2 या 3 घंटे आती है, वो भी 2 बजे के बाद। यहाँ तक तो बहुत अच्छी रोड है, बट आगे देखते हैं जाके मुझे लगता है, जब मैं वापस घर आया था 1 हफ्ता पहले, रोड तो अच्छी है मुझे लगता है क्योंकि ये ड्राइव करके लाए थे और मैं तो घर ट्रैवलर में गया था यहाँ से घर। टुक्कू का पीछे FM चल चुका है यहाँ पे, और ये नींद की जो एक आप बोल सकते हैं कि एक इंडिकेशन है कि बच्चे को नींद आ रही है जब ये बच्चा ऐसे करता है। टुक्कू को नींद आ चुकी है अभी, अभी हम लोग जस्ट सुंदरबनी पहुंचने वाले हैं, और सुंदरबनी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है पहले, क्योंकि हम दोनों ने ग्रेजुएशन जो है हमारा BSc है वो यहीं सुंदरबनी से है, उसके बाद हमने BEd भी यहीं से किया था। हालांकि हम लोग एक बैच आगे पीछे थे, मैं सीनियर था एक बैच और ये जूनियर थी, और इनका तो हॉस्टल था उस टाइम पर, हम लोग डेली अप डाउन करते थे और हम डेली थ्रिल करते थे इस रोड पर। हम लोग डेली घर से यहाँ तक अप डाउन करते थे, और ये यूजली हॉस्टल में ही रही है, और ऊपर जाने का तो टाइम नहीं है खैर हमारे पास कॉलेज में, बट नीचे से मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो ग्रेजुएशन और BEd का टाइम है वो यहाँ पे कैसे कटा है। छोटा सा टाउन है सुंदरबनी, हालांकि एक विधानसभा हमारी एक ही है, नौशहरा और सुंदरबनी की विधानसभा एक है, और हमारा जो तहसील हेडक्वार्टर है वो अलग अलग है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेन सुंदरबनी मार्केट में, और ये पहले एक ग्राउंड होता था, बहुत क्रिकेट खेली हमने अपने कॉलेज टाइम पे यहाँ पे, बट अब मुझे इसका इशू पता नहीं है, बट यहाँ पे अब आर्मी ने इसे चारों तरफ से जो है वो कवर कर लिया, और ये आर्मी का, पहले भी आर्मी का ही था बट अब आर्मी अलाउ नहीं करती यहाँ पे क्रिकेट विकेट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को लेके। और हम लोगों का जो कॉलेज था वो सीधा ऊपर था, यहाँ से पैदल चल के कुछ 2 किलोमीटर का ट्रैक ही था एक किस्म का, और डेली ट्रैक करते थे हम लोग, ऊपर जाते थे, और यहाँ पे एक वेटिंग शेड होती थी, मुझे लगता है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है रोड वाइडनिंग के कारण जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बट राइट साइड पे एक और वेटिंग शेड बन गई है, और नहीं वो वेटिंग शेड है अभी, ये वाली वेटिंग शेड थी वो वाली जहाँ हम लोग बैठते थे डेली आके। और इस चौक से हम लोग राइट को होते हुए ऊपर कॉलेज जाते थे। अभी टाइम नहीं है हमारे पास, बट किसी दिन बाद में अगर कभी टाइम मिलेगा ज़िंदगी में तो एक बार ऊपर जाके विज़िट करेंगे। और इस जगह से जब भी निकलते हैं हम लोग तो हमें ओल्ड स्कूल वाइब्स जो है वो आती हैं यहाँ से, क्योंकि हमने लगभग ज़िंदगी के 4 साल यहाँ पे निकाले हम दोनों ने, मेरे तो इनफैक्ट 5 साल निकले यहाँ पे, तो रेखा के यहाँ पे 4 साल निकले, 3 साल ग्रेजुएशन के और 1 साल BEd का। सो अभी हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे आगे, और नेक्स्ट बाइट जो है मैं आपको दूंगा अब अखनूर की। अभी हम लोग फ्रेंड्स पहुँच चुके कालीधार में, एक स्टेशन आता है इन बिटवीन जम्मू पुंछ हाईवे पे, और यहाँ पे मोस्टली जो नौशहरा से गाड़ी आती हैं वो रुकती हैं चाय पानी के लिए, और एक अच्छा स्टेशन है, यहाँ से हम जर्नी अपनी जो है वो आगे कंटिन्यू रखेंगे। और यहाँ पे मेकअप चल रहा है बच्चों का, छोटा मोटा स्नैक्स जो है पकोड़े बर्फ़ी बहुत फेमस है यहाँ की, पनीर बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग यहाँ से लेके जाते हैं। ये जगह है अखनूर बाईपास, और यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो सीधा पहुँच जाएंगे हम लोग सिटी में, और जितनी भी रजौरी पुंछ की गाड़ियाँ हमारी वो हम यहाँ से आगे लेफ्ट लेते हैं, और लेफ्ट लेके हम जो एक नया पुल बना है यहाँ पे उससे होते हुए हम लोग आगे पे टच करते हैं जाके पार्क, जो दुमाना जम्मू हाईवे हाईवे बना है जो, और यहाँ से हम लोगों ने ले लिया लेफ्ट, और अभी तकरीबन सबकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है इंक्लूडिंग फ़ोन्स की, और ये
बंदों की। ये एक ब्रिज है और इस ब्रिज के नीचे जो ये नदी बह रही है ये चनाब नदी है, और जैसा कि हमें सबको पता ही है चनाब नदी किश्तवाड़ से आती है, और यहाँ से ये नदी जो है इस साइड से सीधा आगे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में जाके मिल जाती है, और पाकिस्तान में जाके इंदस रिवर के साथ ये मिलती है। और ये ब्रिज के दोनों साइड आप देख रहे होंगे कुछ सुसाइड केस होने के बाद यहाँ पर इसको प्रॉपर कवर कर दिया गया है अब। और यहाँ से अब थोड़ी दूर आगे जाके हमें फोर वे लेन जो है वो मिल जाएगी। अभी दिन के बजने वाले हैं 12, 10 मिनट कम 12 हैं अभी, और हम लोग जम्मू सिटी से अभी 15 किलोमीटर पीछे हैं, और गाड़ी चला रहे हैं मेरे भाई साहब, और हम लोगों ने अब सीट में शफल कर लिया था कोई 30 किलोमीटर पहले ही, और प्लान तो यही था कि हम लोग जम्मू से जल्दी निकल जाएंगे, बट इनकी छोटी सिस्टर और मेरी बड़ी सिस्टर जम्मू में, तो हम सोच रहे हैं कि उन्हें मिलके ही निकले, और उन्हीं के मुझे लगते फ़ोन बज रहे हैं अभी, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करके निकलें, वेट कर रहे हैं वो। सो अभी 25 से 30 मिनट लगेंगे जम्मू सिटी में पहुँचने में, और उसके बाद ही हम लोग वहाँ से निकलेंगे, और मुझे लगता है हमें अब जगह डिसाइड कर लेनी चाहिए कि हमें नाइट स्टे कहाँ कर रहे हैं, बट अभी ये कह रहे हैं कि हम पंजाब एंटर करके ही सोचेंगे हमें रुकना कहाँ पे है, तो देखते हैं अभी। हमारी टीमें जो हैं दो हैं, एक देहरादून की टीम है और एक बीकानेर की टीम है। देहरादून की टीम का मानना ये है कि हम ये लोग हमारे साथ चल रहे हैं, देहरादून में स्टे कर रहे हैं और कल सुबह निकल रहे हैं। बीकानेर वालों का ये है कि हम सीधे बीकानेर चलते हैं, वहाँ से आपको ट्रेन ऋषिकेश आती है, हम लोग ऋषिकेश की रिजर्वेशन करवा देते हैं और हम परसों आ जाओ। तो अभी कुछ फाइनल ऐसा हुआ नहीं है कि क्या करना है कहाँ जाना है, मुझे लगता है पंजाब एंटर करके पता चलेगा कि हमारा क्या सिचुएशन बनती है। और सुरेखा का तो कोई इशू नहीं है, देहरादून चलना है देहरादून चल लो, वापस घर चलना है कोई इशू नहीं, ना कोई छुट्टी की दिक्कत, ना कोई थीसिस की टेंशन, ना कुछ, अपने मजे हैं पूरे। टुक्कू का भी ऐसे, और टुक्कू और टुक्कू की दीदी वो तो दोनों सो गए, अभी रेस्ट कर रहे हैं। जाग गया तू? हाँ मजे आ रहे हैं? मामू के साथ जाएगा? मामू के साथ जाएगा? Thank you.